सो हाय गाइस, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ मित्रा और वेलकम है आपको मेरे टूर एंड मी ब्लॉग चैनल पे। तो इससे प्रीवियस ब्लॉग पे आपने देखा होगा मैं एक सीक्रेट रिवील करने वाली थी, जो कि मैंने रिवील नहीं किया था। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। आप देख सकते हैं, आपको कुछ कुछ पता चल रहा होगा, और अगर जिसे नहीं भी पता चल रहा है तो मैं बता दे रही हूँ, ये है इशक बंडा भैया का गाँव, और मैं आई हूँ उनके गांव उनसे मिलने, उनके फैमिली से मिलने, उनसे बातें करने। ये उनका गांव है और मैं उनके गांव में अभी पहुँच गई हूँ। इशक मुंडा फूड ईटिंग चैनल पे उनका यूट्यूब पे चैनल है, और आपको पता होगा ये ओडिशा के फेमस यूट्यूबर में से एक हैं, जिनका अभी ही कुछ टाइम और लगने पर 1 बिलियन कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं ब्लॉग बनाऊं, इशक मुंडा भैया आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं? बताऊंगी, और भैया भी बताएंगे उनको कैसा लगा मुझसे मिलके। मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बात जो कि हमारे व्यूअर्स लोगों, हमारे फैन लोगों के पास अगर ये वीडियो पहुँचा है तो आप गलत नहीं समझिएगा। और बहन जी जो आए हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और वो वीडियो बनाए, और उनका चैनल में भी आप जाइए और आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, और आप गलत कमेंट ना करिए, मुझे अच्छा लगा है ये जो आए हैं, और कुछ गलत नहीं है, तो आप सपोर्ट कीजिए बहन जी को भी। ठीक है, थैंक यू भैया। आप मतलब देखे होंगे इससे पहले इस गांव को हर तरफ से, मैं दिखा दे रही हूँ भैया के घर के तरफ। अब मैं उनके घर के तरफ जा रही हूँ। भैया को मैंने कॉल किया था लेकिन वो किसी और के साथ बात कर रहे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ उनके पास, मैं वीडियो करते करते उनके पास जा रही हूँ। ठीक है, इस वक्त दादा ঘরটা পুরো চেঞ্জ হয়ে গলান। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आज मैं इशक भैया के साथ जो हूँ। मनीषा तो सब वाला मैं यूट्यूब पर देख सो। वो लज्जा जी कहते हैं ये पवित्र ना, ये पवित्र तो ना मुई भी दादा हम छोट यूट्यूबर ही आए, मैंने मोर तो किसी हेते बहुत ग्रोथ नहीं है बार महिमा अमन। ओ हो बोले तो कैसा अच्छा सबे बोलो अच्छा तो ये मौज पवित्र बोलो अच्छा तो वीडियो हाय कर दे, तो हाय कर दे। हाय तो हाय ना सोवे देखो तो नहीं है ना। मनीषा भैया मुझे बता रहे थे कि जब मैं गई थी, मैं तो शाम को गई थी, लेकिन सुबह तमिलनाडु से कोई उनसे मिलने आया था। एक हफ्ते में भैया को 3 से 4 लोग तो मिलने आ ही जाते हैं, वो चाहे यूट्यूबर्स हो या कोई ऐसे नॉर्मल पीपल, कोई भी उनसे मिलने आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं भैया को उनकी मर्ज़ी के ही उन से मिलने गई थी, उनके फैमिली से मिलने गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और भैया को भी बहुत अच्छा बैठा हुआ, अंधेरा दिख रहा है इधर की तमर के लग गए बहन, और ये इशक भैया की बहन है, और ये लोग ये बच्चे हैं, यहाँ पे नहीं सब खेलते हैं। ये भैया की मम्मी है, यहाँ जो महुल हम लोग बोलते हैं उनको वो साफ कर रही है, मतलब कुछ इससे ना, ये महुल का पेड़ से ये महुल निकलता है और इसे यहाँ पे सुखा रहे हैं, हमारे यहाँ भी सुखाया जाता है।
और ये इधर तो बहुत ही मतलब ये प्रैक्टिस चलता ही है, और इधर तो आप ज़्यादा आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, और लगभग ये कुछ 10 किलो मतलब 6 से 10 किलोमीटर के अंदर है इनका गांव, तो इधर ज़्यादा माहौल ज़्यादा बनता है यार, खूब माहौल मिलू थो बाकी नहीं कहो। ये पेड़ से जब ये उसका ये फूल से बोलते हैं ना माहौल माहौल, हाँ फूल ही है ना, हाँ ये सूखने के बाद व्यापारी लोग ये खरीदने आते हैं। ना पुराना पुराना घर है ना भैया, कौन अभी जो आप दिखाने वाले हैं? अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ दूसरे लोगों का घर। अच्छा अच्छा हाँ, उनके फैमिली रिलेटिव लोगों का घर है भैया दिखाने वाले हैं अभी। ये हमारे चाचू का घर है। अच्छा ये उनका चाचू का घर है अभी नहीं है क्या? 2 महीने तक उधर काम करेंगे, उसके बाद घर। पानी हाँ, आप कल एक जो नलकुआ क्या बोलते हैं, हाँ ट्यूबवेल, वहाँ कहाँ से पानी नहीं निकल रहा था ना, कल आप वीडियो बनाए थे। अगर वो जन आएंगे बाबा डेक्ची पकड़ के, तो उसमें पानी हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा लेकिन पूरा सूख जाएगा, फिर वेट करना पड़ेगा 1 घंटे तक, तभी जाके फिर निकलेगा पानी। वही अभी अभी धूप आ चुका है और पानी नहीं निकल रहा, तो वो तो स्माइल कर दियो, हाय कर दियो। संबलपुरिया पूछो कि नहीं पूछो? हाँ यहाँ से पानी नहीं आ रहा था ना भैया, ये नल ये जो नलकुआ है, ये जो ऐसा बड़ा बड़ा डिक्ची अगर 4 ठो लाएंगे और 1 घंटा वेट करेंगे तो पानी हो जाएगा। हाँ फिर सूख जाएगा पानी, पानी सूख ही जाता है पूरा अंदर, सूख जाता है, फिर 1 घंटा वेट करने से फिर उतना पानी मिलेगा बस। और बारिश के मौसम से उधर मिलता है पानी, हाँ बार देता है, लेकिन अभी धूप के मौसम में ऐसा हाल है। और यहाँ में यहाँ हमारे इस बस्ती में 35 परिवार रहते हैं, लेकिन अभी अभी सब काम चले गए फैमिली पकड़ते हैं, गाँव में सब सभी कहाँ चले गए अभी? यहाँ से 30-35 किलोमीटर की दूरी। एनमी यही ना छाड़ो कोई, हाँ टूर एनमी जब मुझे एडिट करके छाड़ दे दीजिए। हाँ भैया टूर एनमी इनका चैनल का नेम है, तो जी जो देख रहे हैं न्यू व्यूअर्स जो कि यूनिक व्यूअर्स आप लोग देखते हैं और चले जाते हैं, आपको पसंद है इनके वीडियो इसीलिए आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बहन जी को सपोर्ट कीजिए। जी थैंक यू भैया। देख रहे हैं ना भैया कितना हेल्पफुल कर रहे हैं, मतलब सबको, मतलब आप लोग भी अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप लोग भैया के चैनल को भी आइए और उनके चैनल को ज़रूर देखिए जो कि इशक मुंडा एडिटिंग चैनल पर है। और भैया तो बहुत मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और मैं चाहती हूँ और भी आगे बढ़ें, तो अगर आप लोग मेरा भी चैनल देख रहे हैं तो उनको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनको उनके चैनल को भी ज़रूर आप देखें, आपको बहुत पसंद आएगा, मतलब आप देख सकते हैं बहुत न्यू टॉपिक्स, मतलब जिस तरह गांवों पे हम लोग मतलब बहुत वैरायटी का मतलब खाना सब बनाते हैं जो कि हम लोग मतलब ऐसे ही कहीं रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, मतलब बहुत विलेज टाइप का जो खाना सब है वो सब वो करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब कि आप देसी स्टाइल का जो खाना खा सकते हैं वो भैया करते हैं, तो ये सब है, आप ज़रूर देखिए और आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मैं बोल रही थी माहौल, ये फल है, फूल से निकलता है फल, तो आपको सबको पता ही होगा, तो ये यहाँ पे ना सुखा के फिर ये बेचते हैं व्यापारी लोग को। और इधर तो मतलब अगर आप ज़्यादा ही मतलब हमारे यहाँ अंदर अगर आते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा, इधर ज़्यादा ऐसे माहौल के पेड़ बहुत मिलते हैं और इसी से ही व्यापार बहुत आसानी से चलता है। तो ये उनकी मम्मी अभी नहीं है, कहाँ थी अभी थी, मैं उनसे मिलने वाली थी, अभी वो यहाँ मतलब अपना काम कर रही थी, शायद ये समेट कर सुखा रही थी। हाँ अभी जो कुछ फ्रेश वाले भी वो तोड़ मतलब टोल के जो लाई हैं वो सुखा रही थी। हाँ मुझे भैया से तो मिलके बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप
कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं तो भाभी का वेट कर रही थी लेकिन भाभी अब तक आई नहीं है, फिर भी मैं कुछ टाइम और वेट कर लेती हूँ और तब तक देखते हैं, अगर आती हैं तो ठीक है, क्योंकि नहीं तो रात हो जाएगा, फिर मुझे निकलना भी है। लाइन आ गया, लाइन नहीं था, अभी अभी आ गया है। यहाँ तो पावर कट होता है, इधर हमारे गांव की तरफ भी होता है पावर कट। हाँ आता है, नहीं आता है। आ भैया मुझे मिठाई दे रहे हैं। ओह थैंक यू रो तुम की वीडियो ठीक है। हाँ मुझे ये मिठाई दे रही है खाने के लिए, ठीक है। मोनिशा गेम खेलो छु, मोनिशा पूरा यूट्यूब चले दला ना, नहीं यूट्यूब चले दल ना पूरा। कूलर, हाँ एक बार कूलर का उन्होंने रिव्यू किया था, मैं देखी थी, और आप लोग भी पता है, मुझे पता है आप लोग ने भी देखा होगा। तो ये भरिया का जो कूलर है यहाँ पे वो रखते हैं, और देखिए भाभी अभी आ गई, गई थी बाहर किसी काम के लिए, अभी आ गई वो। मैं कब से उनका वेट कर रही थी, मैं तो सोच रही थी आज मिल ही नहीं पाऊंगी, फिर आ गई वो। शाम हो चुका है, आप देख सकते हैं मैं हूँ अभी, और कुछ देर बाद चली जाऊंगी। भैया तो मुझे बोल रहे थे कि उनके साथ रह लूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी मुझे जाना पड़ेगा। ये है इशाक भैया की मम्मी, मैं अभी मिली, उस टाइम वो फूल वो सुखा रही थी, अभी मिली मुझे वो। हाँ गाइस टाइम हो गया है, अभी मुझे निकलना है, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके, अब तो मैं जब भी आऊँगी गांव उनके घर ज़रूर आऊँगी, और भैया भी बताएंगे उनको कैसा लगा मुझसे मिलके। मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बात जो कि हमारे व्यूअर्स लोगों हमारे फैन लोगों के पास अगर ये वीडियो पहुँचा है तो आप गलत नहीं समझिएगा, और बहन जी जो आए हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और वो वीडियो बनाए, और उनका चैनल में भी आप जाइए और आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना मैं बोलना चाहूँगा। और आप गलत कमेंट ना करिए, मुझे अच्छा लगा है ये जो आए हैं, और कुछ गलत नहीं है, तो आप सपोर्ट कीजिए बहन जी को भी, ठीक है। थैंक यू भैया फॉर इतना मुझे हेल्प कर रहे हैं आप, और बस इतना ही, मैं अपना वीडियो पे एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।